हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अपर्णा। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद अवर चैप्टर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। वी विल स्टार्ट फ्रॉम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स स्टार्ट। मोशनलेस विंड, स्टेशनरी वाटर और अ स्टेशनरी स्टोन डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू मूव और ब्रेक एनी ऑब्जेक्ट। वी हैव सीन दैट द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज सर्टनली इन मोशन वेन एवर इट परफॉर्म्स सम वर्क। अ स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉर्म कैन कॉज अ ट्री टू फॉल। मूविंग वाटर कैन पुश फॉरवर्ड अ सेल बोट एंड अ हैवी स्टोन थ्रो यूजिंग अ कैटापुल्ट कैन डैमेज अ वॉल इन इट्स पाथ। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे ऐसे मीन्स ऐसे वर्क, ऐसे मोशंस परफॉर्म करते हैं जिससे कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपका विंड के बारे में दिया, ठीक है। विंड क्या करता है, कभी कभी बहुत जब स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो ट्री भी क्या होता है, गिर जाता है। वाटर्स भी, वाटर को भी पुश कर सकता है वो, मीन्स वाटर पे जो बोट सेल हो रही है उसको भी पुश कर देता है, और कोई हैवी स्टोन को भी क्या कर सकता है, थ्रो कर सकता है किसी वॉल पे, ठीक है। अब देखिए, सिंस मूविंग ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन सम वर्क, देयरफॉर देयर मस्ट बी सम एनर्जी इन मोशन। दिस एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। वी हैव ऑलरेडी लर्न अ लिटिल अबाउट काइनेटिक एनर्जी इन प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर क्या वर्क है, मीन्स किस वजह से जो विंड है वो इतना क्या पावरफुल है कि वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकता है, मोशन पे ला सकता है या फिर उसको गिरा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी यहाँ पर वर्क कर रही है वो आपका काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, देखते हैं आगे का। यू मे नो दैट इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग एट द सेम स्पीड देन द हैवियर अमंगस्ट द टू विल हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द लाइटर ऑब्जेक्ट। इफ वी लाइटली हिट अ नेल विद अ हैमर, इट विल नॉट गो एज डीप इन टू द वॉल एज कम्पेयर टू द होल फॉर्म्ड वेन अ नेल इज हिट हार्ड बाय अ हैवी हैमर, बट इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू परफॉर्म सम वर्क। देखिए, हम लोगों ने देखा था कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट जो है कि मूव कर रहे हैं सेम स्पीड में, तो हैवियर ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो क्या करेगा, उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी बजाय लाइटर ऑब्जेक्ट के, ठीक है। जब कोई दो ऑब्जेक्ट जो कि एक भारी ऑब्जेक्ट है, एक हैवी ऑब्जेक्ट है और एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, तो जो भारी वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसको क्या लगेगा, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि सेम सिंपली यहाँ पर बताया गया आपका, जैसे कि हम लोग जब हैमर के थ्रू हम लोग नेल्स को मीन्स खीला को हम लोग क्या करते हैं, वॉल पर जब डालते हैं, ठीक है, लाइटली क्या करते हैं हम लोग उसमें हथौड़े के थ्रू यहाँ पर उसको हथौड़े के थ्रू यहाँ पर नेल को हम लोग अपने वॉल पे डालते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा हैमर और एक छोटा सा नेल क्या करता है, मोशन करता है और वहाँ पर एक होल का फॉर्मेशन होता है। लेट अस थिंक अबाउट अ स्टोन ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन पीक। अ हैवी विंड कैन पुट इट इन मोशन एज इट रोल्स डाउन टूवर्ड्स द ग्राउंड, इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी। द स्पीड ऑफ अ फॉलिंग बॉडी कीप्स इन इंक्रीजिंग विथ टाइम। वेन द स्टोन फाइनली हिट्स द ग्राउंड, इट परफॉर्म्स सम वर्क। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन फॉर्म अ बिग होल और इट कैन शैटर एन ऑब्जेक्ट। मोर द हाइट फ्रॉम ग्राउंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोर डिस्टेंस इट विल हैव टू फॉल एंड द मोर विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखिए, जब कोई स्टोन किसी भी माउंटेन के पीक से क्या होता है, नीचे गिरता है, तो मींस नीचे गिर रहा है, अगर कोई भी स्टोन जो है नीचे गिर रहा है तो वो रोल डाउन होके, ठीक है, रोल होते हुए क्या करता है, ग्राउंड पे नीचे जाता है, ठीक है। उस वक्त पे उसके पास जो एनर्जी रहती है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उस वक्त पे उसके पास जो एनर्जी रहती है वो आपका काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब जो स्पीड रहता है उसका, ठीक है, उस स्टोन का जो स्पीड है वो टाइम के साथ पे क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे जैसे उसकी फॉलिंग जो स्पीड रहती, जो टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है उसके हिसाब से क्या होता है, उसका स्पीड भी बढ़ता जाता है। जब स्टोन जो है वो फाइनली जब ग्राउंड पर पहुंच जाता है तो वो क्या कर रहा होता है, कुछ वर्क परफॉर्म करता है, मीन्स उसके पास में जो एनर्जी रहती है ना, उसके थ्रू वो या तो एक बड़ा सा होल वहां पर डक कर देगा, या तो फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर देता है, शैटर कर देता है। जितने हाइट के थ्रू वो वहां पर ग्राउंड पे, जितने हाइट के थ्रू क्या हो रहा है, वो जिस हाइट से वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिर रहा है, उतना ही डैमेज क्या करेगा, वो नीचे ग्राउंड पर आकर करेगा। हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर ऑफ मेनी टाइप्स एंड ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी
अबाउट विच वी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस और अदर चैप्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू दिस टू टाइप्स. ठीक है, जब वो बॉडी, ठीक है, जब बॉडी के है जो स्टोन है आपका, जब वो ग्राउंड पर आकर रेस्ट कर रहा है, उस वक्त पे उसके पास में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी. अब हमको ये समझना है कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उसके क्या होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं. और हमने जितनी भी एनर्जी अब तक पढ़ी है उसको हम इस दो टू टाइप्स में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं. एवरी ऑब्जेक्ट हैज सम एनर्जी स्टोर्ड इन इट, बट वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट टिल समथिंग हैपन्स टू ट्रांसफॉर्म द स्टोर्ड एनर्जी इन टू सम अदर फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, वेन वी फायर अ क्रैकर, द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू लाइट, साउंड, थर्मल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, देखिए, हर एक एनर्जी जो है, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट में जो भी एनर्जी रहती है, स्टोर्ड रहती है, वो किस टाइम पे कौन सी एनर्जी होगी, किस किस फॉर्म पे वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ये हम नहीं बोल सकते जब तक कि वो एनर्जी क्या है, अपना कोई दूसरा फॉर्म ना ले ले. एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम क्रैकर को जलाते हैं, ठीक है, फायर क्रैकर मीन्स फटाकों को जब जलाते हैं, तो जो केमिकल एनर्जी है वो क्या होता है, लाइट एनर्जी में या फिर साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है. लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, जब फायर क्रैकर, जब कोई क्रैकर, जब कोई फटाके को हम लोग जलाते हैं, तो वो उस वक्त पे जो एनर्जी उसके अंदर रहती है वो क्या रहती है, केमिकल एनर्जी रहती है. जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो एनर्जी या तो लाइट में चेंज होती है, साउंड में, या थर्मल में, या फिर काइनेटिक में, या फिर चारों में ही चेंज हो जाती है. ट्राई टू फिल द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. आई एम सो सॉरी अबाउट द साउंड कमिंग फ्रॉम माई बैकग्राउंड, इट्स प्रोबेबली माई मदर, प्लीज सॉरी. लेट्स सी नाउ, यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि इनिशियल फॉर्म्स पे और फाइनल फॉर्म्स पे एनर्जी किस तरीके से रहती है. जैसे कि इनिशियल फॉर्म पे कोई काइनेटिक एनर्जी है, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, तो क्या रहता है एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर दिया है, जब वाटर कोई टैंक से हायर लेवल पे वाटर है और नीचे जब आ रहा है तो वो क्या हो जाता है, जब वो टैंक पे वाटर है तो वो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, और जब वो फाइनली जब नीचे आ जाएगा, जब हम लोग टैब ओपन करते हैं, जब अपना घर का नल ओपन करते हैं, तो क्या रहता है, वो नीचे आता है पानी, तो वो उसके अंदर जो उस वक्त पे जो एनर्जी रहती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी रहती है. उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी है और थर्मल एनर्जी में चेंज हो रहा है, जैसे कि जब हम अपने पाम्स को क्या करते हैं, रब करते हैं, मीन्स हम लोग अब जब हम अपनी हथेली को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो उस पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी रहता है, वो यहाँ पर थर्मल एनर्जी पे कन्वर्ट होता है. उसी तरीके से ये आपको कुछ क्या दिया है, एग्जाम्पल्स जो हैं वो दिए हुए हैं. डू यू नो दैट द एनर्जी ऑलवेज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन दिस वर्ल्ड, नॉट ओनली दिस, एनर्जी इज ऑलवेज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, सभी को पता है एनर्जी जो है वो क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे हमेशा कन्वर्ट होती है. ठीक है, एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे. All electric appliances which we use, whether battery operated or running on electricity, convert electric energy to some other forms of energy. Most of the energy gets converted into useful energy, but some amount gets wasted or converted into a form which is not useful. Irrespective of whether the transformed form of energy is useful or waste, the entire electrical energy gets converted. This is known as law of conservation of energy. In other words, energy can neither be created nor destroyed. It can only be transformed from one form to another. ठीक है, देखिए, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो हम लोग यूज़ करते हैं वो या तो बैटरी से चलती है या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या करते हैं, उसको रन करते हैं. कोई भी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करती है, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी जो लेते हैं वो आपका एक दूसरे फॉर्म की एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देती है. ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं और फिर वो दूसरे फॉर्म पे क्या करती है, उसको कन्वर्ट करती है. वो ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पर क्या हो, कोई यूज़फुल एनर्जी के फॉर्म पे ही हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं. कुछ एनर्जी क्या होती है, कुछ एनर्जी जो है वो यहाँ पर वेस्ट के फॉर्म पे भी कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, चाहे वो कोई जो एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, वो जब भी कोई एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है तो या तो वो यूज़फुल एनर्जी के फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म होगी, या तो फिर नॉन यूज़फुल, या फिर वेस्ट के फॉर्म पे यहाँ पर ट्रांसफ़र होती है. इसी को क्या कहा जाता है, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अगर अगर दूसरे वर्ड्स पे अगर होगा तो आपका क्या होगा, एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं. The following table consists of some such
examples of energy conversion where the electrical energy gets converted into both useless and useful and useless forms while using electric appliance. Try to add more such examples to the table. ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको कुछ examples दिए गए हैं, कुछ useful है और कुछ क्या है आपका वेस्ट फॉर्म है. तो देखते हैं जो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं वो. ठीक है, तो जैसे कि आपका टीवी है, तो टीवी में क्या रहता है, यूज़फुल लाइट एनर्जी के फॉर्म पे और साउंड एनर्जी के फॉर्म पे ये क्या होता है, यूज़फुल एनर्जी हमको मिलती है. और वेस्ट के वेस्ट टीवी से जो हमको वेस्ट मिलता है वो क्या रहता है, थर्मल एनर्जी एनवायरनमेंट में जो जाता है. ठीक है, जब आप लोग देखे होंगे टीवी को जब हम रेगुलरली चलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है. ठीक है, तो वहाँ पर क्या होती है, थर्मल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई रहती है जिसकी वजह से वो टीवी जो है वो गर्म होता है. उसी तरीके से हेयर ड्रायर का दिया है, काइनेटिक और थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल से ये हम लोग को मिलता है. और वेस्ट के फॉर्म पे साउंड एनर्जी क्या होता है, वेस्ट वेस्ट एनर्जी के फॉर्म पे निकलता है. उसी तरीके से ओवन और फिर फैन, वी कैन नॉट एलिमिनेट दिस लॉस ऑफ एनर्जी बट दिस वेस्ट कैन बी मिनिमाइज. हम लोग इस लॉस ऑफ एनर्जी को क्या नहीं कर सकते, पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इस वेस्ट को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. यू हैव रीड अबाउट टंगस्टन बल्ब्स इन प्रीवियस चैप्टर. दिस बल्ब्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी, बट द थर्मल एनर्जी इज नॉट यूजफुल. द लॉस ऑफ एनर्जी कैन बी मिनिमाइज बाय सी एफ एल्स, कॉम्पैक्ट फ्लोरसेंट लाइट्स और LEDs, लाइट एमिटिंग डायोड्स. LEDs आर इवन बेटर देन सी एफ एल्स बिकॉज LEDs कन्वर्ट अ हायर परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी. ठीक है, देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था, एक टंगस्टन का बल्ब आता था. ठीक है, टंगस्टन का बल्ब आता था, वो जो टंगस्टन का बल्ब रहता था वो क्या रहता करता था, हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी और थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता था. अब यहाँ पर ये लॉस ऑफ एनर्जी को बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सी एफ एल और LEDs का यूज़ करना स्टार्ट किया. आज अगर आप लोग देखेंगे तो सी एफ एल और LED जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है, LED जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है एनर्जी को यूज़ करने के मामले में. ठीक है, कैसे, इसमें जो एनर्जी रहती है वो बहुत ज़्यादा, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में, और बहुत ही कम इसका जो वेस्ट एनर्जी रहती है बहुत ही कम निकलती है. इस वजह से LEDs को क्या है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ठीक है, ये देखिए आपका टंगस्टन बल्ब में 90% थर्मल एनर्जी रहती थी और सिर्फ 10% लाइट एनर्जी रहती थी. वहीं पर CFL में 390% थर्मल एनर्जी है और 70% लाइट एनर्जी है. वहीं पर LED में सिर्फ 5% थर्मल एनर्जी है और 95% जो है वो लाइट एनर्जी निकलती है. इसीलिए LEDs का जो यूज़ है वो क्या हो रहा है, अभी रेगुलरली बढ़ रहा है. ठीक है, आपका आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनर्जी ट्रांसफ़र पढ़ेंगे. थैंक यू.